जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास है बहुलक है। बहुलक के बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, समझिए ना। एक बार इसको समझने से पूरा आंसर तुम सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुलक है, बहुलक को सिर्फ क्या उस मान के अनुसार से बनाना है, ठीक है। तो बना बहुलक तो बना हुआ, ठीक है। हम इसको पाए पाए बाय बस समझो आपको समझा देंगे, ठीक है। चलो क्लास चालू करते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए तो आपको ये फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। बहुलक निकालने के लिए तो ऊपर में जो है तो वो तुमको मिलेगा ही, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, बहुलक को हम इस तरह विधि बना लेंगे, समझे ना। सी आई को निकाल लेना, उसके बाद एफ वन को, समझिए ना। तो इसको क्या करना, इस तरह से ट्रायंगल बना लेना। बनाने के बाद जब इसका मान जो होता है बहुलक, समझिए ना, इसमें देखो एल एल होता है, एफ होता है, एफ होता है, एफ टू एच, समझिए ना, ये होता है, समझिए ना। इन पांचों में, ठीक है, क्या क्या हो है? देखो L जो होता है ना, L L को हम क्या कहें, 25 कहें, समझे ना, ठीक है। तो एफ वन कितना है, एफ वन 21 है, ठीक है। F इसके ऊपर वाला में 11, एफ ओ और उसके एफ टू, तो समझिए ना। H H इन दोनों के मान में जो निकलता है हम उसको H कहते हैं, क्या कहते हैं, H कहते हैं, तो समझिए ना। तो यहां से यहाँ पर सारा चीज का हम दर्शाया गया है, ठीक है। ये जो है निकाला है, यहां से निकाला गया है, ठीक है। तो उसके बाद जो बहुलक होता फॉर्मूला, तो एल प्लस एफ वन माइनस एफ ओ बटे टू एफ ओ टू एफ आई, ठीक है, माइनस एफ ओ माइनस एफ टू गुना एच, ठीक है। एल एल का मान देखो, एल होता है ना यहाँ पर, एल कितना है, 25 है, 25 आया ना, तो यहाँ पर L 25 है, ठीक है। हाँ, L कितना है, 25 है, तो 25 लिख दिए, ठीक है। प्लस प्लस था प्लस F1, F1 कितना है, 21 है, हम यहाँ पर 21 लिख दिए। FO कितना है, 11, हम यहाँ पर 11 लिख चुके हैं। H कितना, 10, देखो H 10 है ना, लिख दिए। F2 कितना है, 23 हम लिख दिए, यहाँ भी सेम लिख दिए, ठीक है। तो ये लिखने के बाद जो हम गुना भाग जो विधि होता है वो काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसको हम यहाँ तो वहीं पर लिख देंगे। तो उसके बाद 21 में 11 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 21 में 11 को घटाने के बाद कितना आता है, 10 आता है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर हम 10 लिख चुके हैं। लिखने के बाद जो यहाँ पर है सेम स्थिति में उतार लेना। उसके बाद ठीक है, नीचे जो है देखो 21 दुना 42 लिख दिए। उसके बाद इन दोनों के माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको हम जोड़ दिए, कितना हुआ, 34। 42 में अगर 34 को क्या करें, घटा देंगे, तो कितना आएगा, 42 में 34 घटाने के बाद 8 आएगा, ठीक है। तो 8 आने के बाद, तो ये 8 को हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद इसको हम गुना कर दिए 10 को, 10 दही 100, गुना करने के बाद कितना हो गया, 100। इसलिए यहाँ पर यही 10 को यहाँ, सॉरी 100 यहाँ पर लिख दिए। और इसको सेम उतार दिए। उतारने के बाद देखो 8 को 100 से भाग देना है, 8 को क्या करना है, 100 को भाग देना है, ठीक है। यहाँ दशमलव बैठाओ, 0 उतारो, 8 × 5 = 40। देखो 12.5 आया, कितना आया, 12.5 आया। भाग लगने के बाद कितना आंसर है, 12.5 आया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ करना, 25 को लिख देना, क्या करना, 25 को लिखने के बाद 25 प्लस, यहाँ प्लस है ना, प्लस देना। तो इसको 8 को हम 100 से भाग दिए, कितना आया, 12.5 आया, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे ना, देखो 25 और 12.5 को, 25 और 12.5 को जोड़ेंगे, 5 × 5 = 7 × 2 = 3, कितना हुआ, 37 हुआ, ठीक है, कितना हुआ, 37 हुआ। ये आ गया बहुलक का आंसर, कितना, 37। ये था बहुलक का निकालने का साधारण विधि, ठीक है। और इस तरह से वीडियो देखते रहे और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले, तो समझ गया ना। तो और